उदयपुर के आप सीधा दृश्य देख रहे हैं, गांधी ग्राउंड से सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहां पर देखिए जन सैलाब जो है। आज अमित शाह जी की आज इस भव्य जो है रैली एवं जनसभा में लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहर की भागीदारी रही है। हमारे बीच में जी कमलेश जी, बताया किस प्रकार की तैयारी हुई है, कितने लोग आ रहे हैं? लगभग 50 से 60 हज़ार लोग आ रहे हैं। आज अमित शाह की एक विशाल जनसभा है और राजस्थान के चुनावी शंखनाद भी आज होने वाला है। और गांव गांव से, ढाणी ढाणी से उदयपुर लोकसभा क्षेत्र, ग्रामीण और शहरी विधानसभा है और आसपास की जो लोकसभा सीटें हैं उनके भी लोग काफ़ी संख्या में पधारे हैं। पूरे जोश से वो एक जागरूकता के नाते पुनः बीजेपी सरकार राजस्थान में लाने के कटिबद्ध होने से आज यह पधारे हैं। मोदी जी का उद्बोधन होगा, चुनावी शंखनाद करेंगे मोदी जी इनको जीतने के अमूल्य सूत्र देंगे और मोदी जी की सभा को सभा को संबोधित करके इन सभी कार्यकर्ताओं में एक नई जान डालेंगे, जिससे राजस्थान में इस कांग्रेस की सरकार बैठने में और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान सहयोग की जाएंगे। जी कमला जी, ऐसा लग रहा है सेवा हाथ पूरा लगे हुआ बड़ी संख्या में, देखिए जन सैलाब जो है दिख रहा है, कितनी खुशी हो रही है आज पूरे हमारे। बहुत खुशी है हमारे राजस्थान के अंदर, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आज कर रहे हैं और बड़ा जन सैलाब, नमो नमो भी आ गया है, लोग बाग आ रहे हैं, गांव गांव टाणी टाणी से आ रहे हैं। राजस्थान सरकार के खिलाफ ये एक चुनावी बुगुल बच चुका है। राजस्थान सरकार, पेपर लीक सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, लगातार नंबर वन पर हत्याओं के मामले में नंबर वन, बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है राजस्थान सरकार। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का हजारों की तादाद में गांव गांव से लोग आ रहे हैं, बड़े उत्साह और धूमधाम से आ रहे हैं।